कसम से बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी रोल जाए, अरे साला सोचो ना, पहले मूवी में इतना सिंपति वाला रोल था, अब साला एक्शन में उतरा है, एक्शन में फाड़ दिले बंदे ने लुंगी में, सोचो। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनीवुड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों फाइनली मालिया गिरी का टीजर रिलीज हो गई है और हमारे साथ इस पर रिएक्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे तेलुगु फैन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। फाइनली मालिया गिरी का टीजर रिलीज हो गई है, तो बाबू सान मोहंती जो कि आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं एक बार जी, तो चलिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपको ये टीजर कैसी लगी। अभी सबसे पहली बात है ना, बाबूशान को फिर से देख के ना बहुत अच्छा लगा। हालांकि आपने पहले वीडियो देखा रहेगा जब मैं उसके साथ फोटो लिया था, खुद मैं मिला था उनसे। मतलब मैं बोलूँ ना, हालांकि मैं उसको पर्सनल लाइफ में मिला और जो टीजर में मैंने देखा है ना, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरे इतना स्वीट सा, इतना बोले ना हार्ट टचिंग बोले ना, इतना प्यार मोहब्बत से हमको ग्रीटिंग किया है ना साला। इसमें देखा तो एक्शन कर रहे एक्शन पे उतर है, बोला सालो टोकरी से मारता है, भागते रहता है यहाँ से वो। बोला ये रूप मैंने ना कसम से, मैं अगर इंटरव्यू के टाइम पे देखा रहता ना वहाँ का, तो मैं फटके में निकल जाता था, मेरे नीचे से गिल्ला हो जाता वहाँ का। तो मैं बोला वो इंसान है ना, मैं बोलूँ बहुत डाउन, मैं बोला चल मैं मानता नहीं उसको, उसका पर्सनल लाइफ क्या है, डाउन टू अर्थ एक ही नहीं, बट जितना भी उसने मूवी निकाला ना, हालांकि एक ही मूवी देखा जो कि मेरे को बहुत दिल का पसंद आया, बहुत दिल के करीब है वो, आज भी देखता हूँ मैं, डाउनलोड करके रखा है मैंने, क्योंकि ऑल टाइम फेवरेट मूवी है मेरा, कभी भी मन किया उसका मूवी देख लेता हूँ। अब आ रहा है ये क्या नाम है, मालियागिरी, जिसमें डायरेक्टर है पृथ्वी सर, बाबू सेन और उनके साथ उनके हाँ जो नाम है पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, बट नाम को साइड में रखो, अगर आप टीजर पे फोकस करोगे ना, अरे क्या बाप बना है वहाँ कसम, क्या बाप, मैं बोलूँ ना ये एक्शन सीक्वल में आ रहे बाबू सेन फाड़ देंगे, और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे ना भर भर के उनको शो मिले। हालांकि जब उसकी पहली मूवी आई थी इतना स्क्रीनिंग मिला नहीं था, बट अब ये मूवी लेके आ रहा है, मैं बोलूँ पब्लिक इज्जत दो, प्यार दो, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आज 6 तारीख को टीजर लॉन्च हुआ है और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कल इसका हिंदी टीजर जवान के साथ बड़े स्क्रीन पे आपको देखने को मिला। जी हाँ, अब सबसे पहली बार कैसा ये जवान के साथ आया है, जवान के साथ तो हमारे भाई भी आए थे टाइगर 3 का पोस्टर लेके, अब जवान के साथ इन्होंने टीजर का लॉन्च कर दिए ले, तो मतलब इनका प्यार तो है, इनको टीजर है ना, इनको जान के नहीं भी करे ना तो भी चले, पब्लिक ऑटोमेटिक प्यार देगी, क्योंकि जिन्होंने ना पहला पिक्चर निकला ना उनसे भरपूर प्यार मिले रहा है, बहुत भरपूर। हालांकि अब इसके पहले भी वीडियो देखे ना जो पहले मूवी का, बहुत भर भर के प्यार मिला। अगर वो जवान के साथ नहीं भी निकाले ना कुछ फर्क नहीं मिलता, पब्लिक फिर भी उसको प्यार करते थे, क्योंकि वहाँ के मास्टरपीस इंसान में बोलूँ ना ये एक है, बाकी बहुत सारे एक्टर है पर मैं जानता नहीं, इसका मूवी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बंदा टैलेंटेड है, आगे जाके शाहरुख खान बन जाएगा ये, क्या बात है कसम से बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी रोल जाए, अरे साला सोचो ना, पहले मूवी में इतना सिंपति वाला रोल था, अब साला एक्शन में उतरा है, एक्शन में फाड़ दिए बंदे ने लुंगी में, सोचो लुंगी में आया बाल वही स्टाइल में, मतलब उसमें तो चलो सेट कर गया था, इसमें फुल एकदम ऐसा बीच का पापड़ रखे फुल स्टाइल में उतरे, भाग रहे जंगल में, वो जंगल वाला सीन तो सबसे खतरनाक लगा मेरे को, और बाकी टीजर जिस तरीके से मारा ना, खतरनाक अंगार लगा मेरे को, बहुत मजा आया। चलिए एंड में रेटिंग क्या होगी 5 से इसका? रेटिंग मैं तो बोलूँ ना माँ कसम 5 से 5 ले लो, अभी तो टीजर से मेरे को खाली गरम खेल है, सोच रहा हूँ मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चल रही है बिना पेट्रोल का, खाली टीजर देख के गाड़ी चल रही है, जल्द से जल्द पिक्चर लेके अंगार लगाने का हमको, बस वेट नहीं हो रहा, बस टीजर देख के अभी तो बोला और उत्साहित हो रहा हूँ मैं कि कब मूवी आए, क्योंकि उन्होंने डेट भी अनाउंस किया नहीं था, हाँ दशहरा कुछ ऐसा लिखा था उसमें पर डेट मेंशन नहीं किया था, मैं तो बोलूँ दशहरा के पहले निकालो और क्या और देखने का मिले, क्योंकि अभी बाबू शेन को देखा नहीं जा रहा है सच में, जितना जल्दी आए निकाले उतना हमारा उत्सुकता कम होएगा, बस थैंक यू।